नमस्कार, मेरे साथ ये भी दो बेटियां हैं, दोनों आईटीएल हैं, कोमल मीना 12वीं के साथ एक शानदार रिजल्ट है। ओवरऑल रैंक आपकी है 4524 और एसटी में आपकी रैंक है 21। अभी आपका एडमिशन हो चुका है आईटी मुंबई में इलेक्ट्रिकल, क्या बात, आईटी बॉम्बे इलेक्ट्रिकल में आपका एडमिशन हो चुका है। और मैं आज ही आपसे मेरा निवेदन मान ले, मेरा आदेश मान ले, मेरी इच्छा मान ले, अपने को यूपीएससी फाइट करना, अपने कलेक्टर बनना है। आज के ठीक 7 साल बाद मुझे तू डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर मिलनी थी, ये मेरा सपना है, मेरा आशीर्वाद है। ये हमारी बेटी कीर्ति, पापा साथ बैठे हैं, आपके मम्मी पापा साथ बैठे हैं, आप हरियाणा से हैं। कीर्ति की रैंक है 12वीं के साथ 3266। दोनों बेटियां 12वीं के साथ आईटी को क्रैक कर रही हैं, इससे फाउंडेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपको कलेक्टर मिला, आपको आईटी कानपुर इलेक्ट्रिकल मिला, जोटा काला बजे इलेक्ट्रिकल ब्रांच आप जानते हो, कौन ब्रांच है आईटी कानपुर, आईटी बॉम्बे, आईटी दिल्ली, तो मूल आईटी है। ये बेटियां उनके कैंपस में रहेंगी, आपको जानते हैं आईटी कानपुर, आईटी दिल्ली, आईटी बॉम्बे दुनिया के सबसे सुंदर कैंपस कहलाते हैं, जहां भविष्य का निर्माण होता है, हिंदुस्तान का नहीं पूरे वर्ल्ड का। आज अमेरिका की जो बड़ी कंपनीज है उनमें 50% जो भारतीय है वो इन्हीं आईटी निकल गए हैं, और वो नो डाउट देश का नाम करते हैं। एक बार उन सभी हमारे भारतीय बच्चों का जो विदेशों में हमारा नाम कर रहे हैं, मैं सबसे पहले कीर्ति के पापा को माइक देना चाहूंगा। सर प्लीज, आप कल भी आए थे, कल आप हरियाणा से आए थे, एक एडमिशन कराया, आप तो फिर गए प्लीज। मेरा नाम भारतभूषण मदान, तावड़ू जिला गुड़गांव हरियाणा से हूँ। मेरी बड़ी बेटी यहाँ से नीट करके गई है और सिलेक्ट हुई है पिछले साल ही 2020 में। उसका सिलेक्शन खानपुर कला हरियाणा में बीपीएस कॉलेज में हुआ है। मेरी बेटी 12th के साथ आईआईटी में कानपुर में सिलेक्ट हुई है। और ये सब मैंने सीएलसी ज्वाइन करा जब से ही संभव हो पाया। मेरे परिवार में कोई इतना पढ़ा लिखा आदमी भी नहीं है जो इनको इतनी गाइडेंस दे पाता। ये सब सीएलसी की मेहरबानी से हुआ है और बोस की कृपा से हुआ है। मैं तो अपने सभी आए हुए साथियों से निवेदन करूंगा कि अपने और बच्चों को भी सीएलसी ज्वाइन करवाएं और अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल करें, यही मेरी कामना है। कितने बच्चे आपके? 3 हैं। दो बेटियां हो? एक बेटा है छोटा। बेटा छोटा, आपके दो बेटियां हैं, वो छोटा छोटा अभी दोनों, एक मेडिकल में। मैंने कहा ना, यहाँ परिवार का परिवार पूरा सेट होता है। थैंक यू सर। कीर्ति, आप क्या कहना चाहेंगे बेटा? हेलो एवरीवन, मेरा नाम कीर्ति है। मैंने सीएलसी का फाउंडेशन कोर्स 12th क्लास में ज्वाइन किया। मैं 11th स्कूलिंग से करके आई थी, तो मेरे को 11th का कुछ इतना अच्छे से नहीं आता था। फिर सीएलसी में कोरोना आ गया था, तो उस टाइम पे ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हुई। पर सीएलसी में ये बहुत अच्छा था कि सारी चीज़ें एकदम बेसिक से पढ़ाई गई, तो मेरे को 12th में कहीं भी इतनी दिक्कत नहीं हुई। और जब भी कोई दिक्कत हुई तो डाउट्स काउंटर्स लगते थे हमारे, वहाँ पर जाके सब सॉल्व हुआ। तो सबसे बेस्ट बात तो मेरे को सीएलसी की ये लगती है कि यहाँ पे सब चीज़ बहुत बेसिक से पढ़ाई जाती है, तो कोई एवरेज स्टूडेंट भी बहुत अच्छे से उसको कवर कर सकता है। थैंक यू बेटू। मैं तेरी बेटी कोमल के पास आऊँगा, एक बहुत प्यारी बेटी है, लॉकडाउन में काफ़ी दूर थी हमारे से, बुलाया बातें भी, इससे शायद आईटी में जितने फोन इसको पर लेकर किसी को नहीं किया मैंने, तो मैं चाहूँ कोमल अपनी बात रखे। जय सीएलसी, मेरा नाम कोमल मीना है। मैंने यहाँ 11th-12th में फाउंडेशन किया था। 11th में ऑफलाइन क्लासेस थी, काफ़ी सही चल रहा था सब कुछ, एक तरीके से अबो एवरेज थी, पर जैसे ही लॉकडाउन आया थोड़ी बिलो एवरेज सी चली गई। तब बॉस की डांट भी पड़ी थी, तब जाके महसूस हुआ कि इतने बड़े कोचिंग के डायरेक्टर अगर मुझे डांट रहे हैं तो शायद मैं कुछ कर सकती हूँ। और फिर जाके थोड़ी सी करना शुरू किया, पर लॉकडाउन में कॉन्फिडेंस थोड़ा लूज़ कर दिया था, तो माइंड में एक अल्टरनेटिव ऑप्शन था कि हाँ ड्रॉप ले लेंगे, टारगेट करेंगे और तब जाके अच्छी रैंक लाएंगे। तो शायद मैं अगर और मेहनत करती तो और अच्छा कर पाती इस बार, उसका थोड़ा सा मुझे है थोड़ा रिग्रेट, पर ठीक है। अभी मैंने इलेक्ट्रिकल लिया है आईआईटी मुंबई में, और यही कहना चाहूँगी कि अगर आप विश्वास के साथ सीएलसी आएंगे ना, मुझे यहाँ पापा ने इसलिए डाला था, पापा ने जब 11th में डाला था तब मुझे कहा था कि तुम पर सिलेक्शन का कोई वो नहीं है, तुम्हें बस इसलिए डाला है कि तुम 12th के साथ यहाँ पे 12th तो हो ही जाएगी। मतलब यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है लड़कियों के लिए बहुत ही सेफ है एक तो, और यहाँ के जो ये 4 S हैं वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, शिक्षा, संस्कार, सफलता और सुरक्षा। बस उसी की वजह से मेरा एडमिशन हुआ था, पर अभी मेरा 12th के साथ सिलेक्शन भी हो गया तो बहुत खुश हूँ, और बॉस को तो बहुत बड़ा थैंक यू मेरी तरफ से। थैंक यू। आपके पापा को बाइक दें, आप क्या कहना चाहते हैं? जैसी एलसी सर, कल मैं सबसे पहले तो मैं बॉस का धन्यवाद करना चाहूँगा। मैं
बच्ची को लेकर हैदराबाद भी गया था एडमिशन डालने के लिए। मैं नागपुर रेलवे में जॉब में हूँ मैं, लेकिन मेरे को मालूम चला CLC सबसे अच्छा है, मैं बच्ची को लेकर CLC आ गया और बच्ची यहाँ IIT में सेलेक्ट हो गई। आप नागपुर सीख रहे थे? नागपुर से आया था सर। क्या मैं रेलवे में जॉब करता हूँ सर, तो मैं CLC का नाम सुना था वहाँ, मेरे को एक सेलेक्ट हुआ था बच्चा, उसने बताया अंकल आप कहीं भी मत जाओ CLC चले जाओ, और वहीं से बच्ची IIT में सेलेक्ट हुई। थैंक यू। तो ये हमारे कोमल है IIT इलेक्ट्रिकल बॉम्बे एडमिशन हो गया, कीर्ति इलेक्ट्रिकल IIT कानपुर हो गया, और मुझे पता लगा कि आपकी बड़ी बेटी भी सिलेक्ट है, दो बेटे सिलेक्ट है आप, एक आपके नॉन भैया ने कहा नागपुर रहते हैं, नागपुर से खुशबू पहुंचती है। तो ये वीडियो इसलिए बनाए जाते हैं ताकि बाकी अन्य साथी भी सही जगह पहुंचे। थैंक यू, नमस्कार।